उद्योग श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर ने जसपा प्रागपुर क्षेत्र की अपर प्रागपुर पंचायत में जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्याओं का निपटारा भी किया। विक्रम ठाकुर से जब प्रदेश में उद्योग विभाग के 100 दिन के टारगेट के बारे में पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 100 दिन की प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। उद्योग विभाग ने 100 दिन की प्राथमिकताओं में उद्योगपतियों को सिंगल विंडो की सुविधा दे दी है। सिंगल विंडो की सुविधा तो पिछली कांग्रेस सरकार देने की भी दावे करती थी, लेकिन उल्टा उद्योगपतियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही उद्योगों को लगाने की सरल नीति बना दी है। उद्योग विभाग ने भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अवैध खनन करते हुए 25 क्रशर बंद कर दिए हैं और 1 करोड़ का जुर्माना किया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार 100 दिन पूरे होने के बाद अपनी उपलब्धियां जनता को बताएगी। के अंदर 100 दिन के टारगेट्स हमने दिए हुए हैं, लेकिन अब आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? तीन तीन विभाग है, किसका टारगेट पूछना चाहते हैं आप? उद्योग का बता दीजिए पहले तो। उद्योग विभाग के अंदर रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कायदे कानून आम व्यक्ति के लिए सख्त है, आम व्यक्ति के लिए उनको करने में समस्या आती है, उसका सरलीकरण किया जा रहा है। इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग को ठीक करने के लिए ऑक्शन की व्यवस्था नहीं की गई है। उस ऑक्शन की व्यवस्था के साथ साथ जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है उनको सिंपलीफाई किया गया है। यहाँ तक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगाने का विषय है, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी जो व्यक्ति बाहर से आता है उसको बहुत सी फॉर्मेलिटीज का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। हम उन फॉर्मेलिटीज को भी कम्पैक्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है, जहाँ पे बोला जाता है पिछली सरकार बोलती थी कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो क्लीयरेंस है, वो सिंगल विंडो क्लीयरेंस का तो है नाम की, लेकिन वो है मल्टीपल विंडो। वहाँ पे आम व्यक्ति जब जाता है उसका काम नहीं होता। उन सारी चीजों को एक मुश्त करने के लिए हम लोग लगे हैं। मुझे लगता है 100 दिनों के बाद उसका रिजल्ट आएगा। 100 दिन के बाद हम आपको उसके पूरे पेपर भी देंगे और पूरी बात भी करेंगे कि हमने क्या क्या रिफॉर्म किया है। एक ध्यान में रहे आपके बात कि जब से मैं उद्योग मंत्री बना हूँ 25 से ज्यादा क्रशर जो है वो हमने बंद किया है, इलीगल माइनिंग वाले, और इलीगल माइनिंग का 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना किया है। लगातार हम प्रयासरत हैं कि जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं उन कामों को ना होने दिया जाए और गरीब व्यक्ति को राहत मिले, और जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूट रहा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो।